ce bombardați către nație, o fi bombardați către momente în acest ea să dau, bombardați către o să mai încerc eu ne apne o să ai copii gestări chese de se bănuciun că par sone, că par cu ceana pe veștia, de când bănuciun că pau me ceapăl mine. Așcăl Văzristan mi-e ei de la șurcă. तो जब तक ये माइंडसेट पाकिस्तान में रहेगा उस वक्त तक न ज़बानें तरक्की कर सकती है न कौमें तरक्की कर सकती है न मोहब्बत परवान चढ़ सकती है हमारे बहुत ही बुजुर्ग बहुत ही काबिल कदर लीडर थे नौ थे रोशनरी साहब तो मेरे एक दोस्त थे जो सुप्रिटेंडेंट थे उसने कहा कि मैंने जब खिड़की से देखा तो नवाब साहब बड़े गुस्से से एक ईंट हाथ में उठाए आ रहे हैं तो मैंने कहा शायद किसी कैदी ने किसी पुलिस वाले ने नवाब के साथ बदतमीजी किया तो मैं जल्दी से बात की मैंने कहा नवाब साहब खैर उसने कहा ये यहाँ से बिली गुजरी ये बिली का जो तबीयत है उसका जो माइंड सेट है वो साम्राज्य है वो अपना हिस्सा भी करता है दूसरे का हिस्सा भी करता है और ये जो माइंडसेट है ये हमारे फौजियों में भी है ये माइंडसेट हमारे जजों में भी है ये माइंडसेट हमारे सियासतदानों में भी है तो अभी बंगालियों ने कुर्बानियां दी हमारे लिए भी बंगाली बच्चों ने कुर्बानियां दी हमारे लिए भी बंगाल के यूनिवर्सिटियां जो है खून से लथपथ हुई हमारे लिए उन्होंने कुर्बानी है बल्कि तमाम दुनिया की जमातों के लिए उन्होंने कुर्बानी है तो मेरे ख्याल से ये 21वीं सदी है वो के साम्राज्य भी अपना और टैक्टिक्स में बहुत चेंजेस आ रहा है कभी मुला के क्षेत्र में आ रहा है तो कभी फौजी के क्षेत्र में आ रहा है लेकिन कौमों को न सिंधियों को कोई पता कर सकता है न बलूचों को कोई पता कर सकता है न बलूचों को कोई पता कर सकता है पिछले दिनों आपने जैसा कि एक लसेफला में पांच मिनट चार मिनट बैठे तो एक व्यापार माजर मेरे पास है जो हमारे साथ डिस्क्रिमिनेशन और डिस्क्रिमिनेशन हो रही है जबान के हवाले से उसने एक कंप्लीट मुझे दिया उस कंप्लीट में जो मैंने पढ़ा उसने कहा यूनिवर्सिया में अफगान माजरीन के स्कूल खोले उसमें जो कैलकुलम था वो टोटल कैलकुलम अफगान जो बच्चे पढ़ते थे वो कैलकुलम 2020 तक जो है वो कैलकुलम अफगान बच्चों को स्कूलों में पढ़ाते थे यहाँ माजर पैर को अभी जो अरबी से वो कैलकुलम चेंज करके पाकिस्तानी कैलकुलम लिया है उसने कहा उन वो जो इंस्टीट्यूशन पे जो यूनाइटेड नेशन चला रही थी उसमें बहुत अच्छे इंजीनियर बहुत अच्छे डॉक्टर लेकिन वो हम जो कैलकुलम पढ़ा रहे ये बच्चे जब कंदार जाएंगे जब यमन जाएंगे जब काबुल जाएंगे वो उनसे मेल नहीं खाएगा उनको अपने अवतर नहीं पहचान सकते तो हमारे हमारे साथ कश्मीर के साथ हमारे तो दिल पे तीन जगह हमें काटा गया है साम्राज्य ने काटा अंग्रेज ने काटा लेकिन मुसलमानों ने भी तो हमारे साथ अच्छा नहीं पिछले दिनों एक प्रोग्राम था तो उसी साहब आए थे तो मैंने कहा भाई जब तक साहब हम लोग कहते नहीं है जब तक एक सुबह का फौज मिलेगा उसने न सिंधी तरक्की कर सकता है न बलोच तरक्की कर सकता है पश्तून है फौज में ये मैं नहीं कहता हूँ उनको भी पकड़ना चाहिए गले से अगर गलत कर मैं उनको सफाई नहीं कर पेश कर रहा लेकिन वो डिसीशन जो है वो पंजाब वाले हैं जनरल आजकल हमारे असेंबली हमारे इलेक्शन यानी बलूचिस्तान में तो ऐसा हुआ है सुबह आप कामयाब है आपने 2 करोड़ के शाम को 5 करोड़ के वो कामयाब फिर सुबह फिर वो दूसरी ने 7 करोड़ के वो कामयाब यानी इस किस्म का एक तबका एक माइंडसेट जो है जब तक ये माइंडसेट पाकिस्तान में रहेगा न जबान तरक्की कर सकती है न कौमी तरक्की कर सकती है न आपका तालीम सही हो सकता है न आपका रोजगार सही हो सकता है
ताकि मैं तो कहता हूँ कि वजह इसके कि हमें नफरतों की सियासत से अगर हम सही दुश्मन का दुश्मन हमारा वही है वो बिली वाला जो मफादात के हैं चाहे वो सियासतदान के शिकल में हो चाहे वो निर्दोष के शिकल में हो यानी 1992 में ये नए चेयरमैन ने रसाब क्वार्टर में एक जगह हम जज थे ये डिसीजन जज था मैं भी वो पंजाबी था उसका बाप पुलिस में हवलदार था वो हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस बना वो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस बना वो आसामा के केस का उसका कमीशन का फिर उसके जरिए जो है ये पीपल्स पार्टी को बेइज्जत करो नवाज शरीफ को बेइज्जत करो यानी एक ऐसा मुल्क जिसमें इंसान दिन दहाड़े इलेक्शन ऐसे इलेक्शन के दिन दहाड़े मजा इस 21वीं सदी में आप किसको धोखा दे रहे ये मैं सर ये कहते उठा के बाजवा जो है बाजवा ने कोई गति के नहीं किया उन के नहीं किया जहाज पे किसी ने उसको पकड़ा के आप पैसे कहाँ ले जा रहे इसको तो इस मैंड सेट को जिनके मफादा था अमेरिका में है जिनके मफादा था ऑस्ट्रेलिया में है जिनके मफादा पर्तगाल उनको इस मुल्क से न सिंधियों से मोहब्बत है न माजरों से मोहब्बत है न पंजाबियों से मोहब्बत है न पश्तूनों से मोहब्बत है तो शायद मैं सियासी ज्यादा हो गया लेकिन जबानी जो है ना हर आदमी को जब माँ बचपन में जो दूध पिलाती है जो सुलाती है जो जाग हर एक को अपनी मादरी जबान से इतनी जब मोहब्बत होती है दुनिया में किसी और चीज नहीं है इसी के साथ मैं बराबर करूँगा जो लोग थे वो आके वहाँ म्यूजिक की ओर से लेकर